नहीं। हेलो, 55 किलो पैसा है। और इस मैच के मुख्य रेफरी होंगे समायउद्दीन अंसारी जी, AR1 सुनील टोप्पो, AR2 और अभी MMG हॉस्पिटल बीआईटी मोड़ के दल के डायरेक्टर मनोज कुमार जी का आगमन हुआ है। इस मंच की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आपसे आग्रह होगा कि आप सीधे मंच में चले आए। मनोज कुमार जी, MMG हॉस्पिटल रिसर्च एंड सेंटर। जीत पे अड़ी है दोनों टीमें, चैंपियन जितना भी आती थी दोनों टीमें सबको अच्छा। चीफ गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन वाकई में काफी ज्यादा हुजूम है यहाँ पर, खचाखच भरा है पूरा स्टेडियम। शुक्रिया आप सबों का, आपके सहयोग का। निश्चित तौर पर ऐसा सहयोग रहा तो मदरा मुंडा आयोजन कमेटी आपको एक से एक बेहतरीन आयोजन करके दिखाएगी। और बीच बीच में मैं चाहूंगा दर्शकगण, आप जैसा दर्शकों का मिजाज होता है, मैच भी, मैच का मंजर भी वैसे ही होता है। तो आप अगर थोड़ा सा हरकत करें, अपने हाथों को हरकत दें, अच्छे दर्शक होने का यहाँ पर कोशिश करें। और ये देखिए लक्ष्मी का, और ये रहा जो होना था, हो गया भैया पहला गोल। सुंदर मुकाबले में मेकान स्पोर्ट्स क्लब रांची की टीम 1-0 से बढ़त बनाते हुए फाइनल मुकाबले में। चलिए आगे मजदूर जी। पहला गोल नहीं, पहला 5,000 बोलिए। अरे 5,000, अगर 2 गोल आए तो वे मामले नहीं, 1 बड़ा रुपया, 1 दने खिलाड़ी और 1 दने 10 का सिक्का। जितना किलो आदमी खिलाड़ी, उतना किलो पैसा। बहुत बढ़िया ऑफर है भैया। मैं कौन वालों, पहला गोल के लिए 5,000 और ये MD जावेद इकबाल के द्वारा। और यहाँ पर बेहतरीन मौका था राहुल मुखी के पास, ये 5,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में। रेमन लकड़ा जो गोलकीपर है, एडविन बहुत ही बेहतरीन स्कीमर के रूप में उभरते हुए खिलाड़ी बंडा मुंडा के। राकेश तिर्की, गोल आई है रोहित के पास, बेहतरीन यहाँ पर तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए। बंडा मुंडा की टीम बिल्कुल दबंग नहीं करते हुए यहाँ पर फाइनल में अपना कदम रखा है। इस टीम ने पहला ही मैच में 4-0 से जीत हासिल की थी, दूसरे मैच में 2-0 से, और तीसरे मैच में भी शानदार सेमीफाइनल में 2-0 से इन्होंने जीत कर फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित किया था। प्रवीण टीका मिडफील्डर बॉल को जरूर बढ़ाया था, लेकिन वहां पर स्टॉपर मंजीत बिल्कुल तैयार थे, बॉल को क्लियर कर दिया। काफी ऊपर ये बॉल जाती है। प्रवीण राहुल मुखी ये खिलाड़ी हैं जिन पर आप नजरें रख सकते हैं। राहुल मुखी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी, बाएं छोर से ने साथी खिलाड़ी प्रवीण के लिए बॉल को बढ़ा दिया। रोहित के पास बॉल काफी दूर छिटक गई और इससे पहले की कुछ खतरा होता। स्टेप पर वहां पर कोशिश करते हुए मंजीत ने बॉल को क्लियर किया है। उपेंद्र हजाम जो मिडफील्डर है मैकॉन के, उसके पास बॉल। रोहन, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया लक्ष्मीकांत के लिए, बाधम। ये मैकॉन के बहुत ही खतरनाक अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी। तो हार और जीत के बीच जबरदस्त जंग, जिसको देख कर फड़क उठेगा आपका अंग अंग। जैसे नंबर 9 बैठ हो से, लेकिन उसके पास बॉल क्रॉस करने की कोशिश और आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया दिनेश लकड़ा ने। दूर से ये प्रयास लेकिन काफी ऊपर। विमल के कट्टा थे टीमियां जब भुगतना पड़ा मेकन के टीम को एक फ्री किक। फिलहाल बॉल दिनेश के पास, दिलीप किंडो। बॉल
बहुत ही बेहतरीन रिसीविंग। आप देखें कितना शानदार खिलाड़ी है। रवि एडविन के पास बॉल, बेहतरीन स्कीमर के लिए जाने जाते हैं। प्रवीण बहुत ही शानदार बॉल निकाला था, लेकिन काफी पीछे रह गए जैसे नंबर 99 हमला करते हुए। और यहां पर तालमेल का अभाव देखा गया अंकित खुजूर और संदीप के बीच में, लेकिन उस गलती को सुधार दिया संदीप ने। बॉल को क्लियर जरूर किया था, फिलहाल बॉल कब्जे में है। आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी पधारेंगे और एक जो छोटी सी कमी सी है उस कमी को पूरा करेंगे। संदीप का ये क्रॉस, लेकिन कोई खतरा नहीं, आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया दिनेश लकड़ा ने। रवीन के पास फिलहाल दिलीप किंडो, काफी ऊंचा आगे खेलने की कोशिश। 5000 क्लियर, 5000 क्लियर। अब बारी है बोरा की, तो बेहतरीन क्रॉस आया था और कोई गलती नहीं की वहां पर। लक्ष्मीकांत महतो ने आसानी के साथ बॉल को दिशा दिया और रेमन लकड़ा देखते ही रह गए, बॉल उलझ गई नेट में और इसी के साथ 1-0 की बढ़त यहां पर मैकॉन को, मैकॉन स्पोर्ट्स रांची। फिलहाल रेंचो का ये क्रॉस था सामने, प्रकाश मुंडा ने बॉल को क्लियर किया। पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी कुछ पलों के बाद इस महाराजा मदरा मुंडा के स्टेडियम में उनका पदार्पण होना है। महाराजा मदरा मुंडा उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। फिलहाल मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से महाराजा मदरा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बेहतरीन फाइनल मैच के साथ। मैकॉन स्पोर्ट्स और KSP बंडा मुंडा, लंबा थ्रोइंग, मंजीत का हेडर, बॉल को क्लियर किया आसानी के साथ। विमल केटा जो टीम के कैप्टन है उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी शंकर के लिए, काफी प्रभावित किया है शंकर ने। यहां पर नए हेयर स्टाइल के साथ इस बार आए हैं, लेकिन कहा गया है कि हेयर स्टाइल जैसा भी हो बाल मजबूत होने चाहिए, क्योंकि मुलायम तो तकिया भी होता है। और यहां पर मौका जरूर मिला था, लेकिन इस बार पकड़े गए लक्ष्मीकांत, ऑफसाइड करार दिया गया। सुनील टोपो उभरते हुए राष्ट्रीय फ्रांसिस क्रॉस करना चाहते थे, वहां पर सुशील मौजूद। फिलहाल रोहन के पास, रोहन का ये पास अश्विन पूर्ति को, रांची की नाज है ये खिलाड़ी, मैकॉन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। फुटबॉल को एक नया आयाम देते हुए एक इतिहास रचने के करीब दोनों ही टीमें, सेकेंड मदरा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट के इस घर में हूँ सीजन में। आपको को फोन करना, धीरे धीरे कर आगे बढ़ती भी बंडा मुंडा की टीम। राहुल मुखिंग सॉरी, फिर से राहुल मुखिंग के पास बॉल और यहाँ पर गलत जरूर हुआ था, लेकिन उस गलत को जल्दी से सुधार लिया है। प्रवीण ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी राहुल मुखी के लिए, लेकिन वहां पर तैयार है स्टॉपर में कौन के, उन्होंने बॉल को क्लियर किया था। यह क्रॉस किया गया है शंकर, और यहां पर शंकर ने बॉल को जरूर निकाला था, खुद को निकाल नहीं पाया। शानदार टैकल, कभी कभी गलती करना भी अच्छी होती है और ये गलती की है सुनील। प्रकाश मुंडा का कीक क्लियर करना चाहते थे, रिफ्लेक्ट होकर बॉल चली गई गोल लाइन। बहुत ही बेहतरीन यहां पर कॉर्नर किक ली थी, लेकिन बॉल को क्लियर कर दिया गया। फिलहाल बॉल आई है रोहित के पास, शंकर ने कवर किया, रोहित को रोकने के लिए मजबूर किया, लेकिन रोहित ने बॉल को बढ़ा दिया है रेंचो के लिए, लंबा क्लियरेंस। रोहन कॉर्नर किक लेने के बाद वापस अपनी पोजिशन में, यही होता है आप कहीं भी रहें फिर से वापस आए अपने जगह पर और उस जगह को कवर करें। सुशील के पास बॉल, शंकर बेहतरीन यहां पर रिसीविंग करते हुए
सामने स्टॉपर जरूर थे, लेकिन उनके रहते हुए भी बेहतरीन चेस्टर से भी उपेंद्र हजाम के पास बॉल इंटरचेंज किया है रोहन के लिए। हिमल कलकट्टा टीम के कैप्टन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम को यहां पर लेकर उतरे हैं। फिलहाल आसानी के साथ बॉल को अपने कब्जे में लिया रेमन लकड़ा ने, बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी फ्रांसिस के लिए। रविंद्र दिलीप किंडो टीवी भी है, देखते हैं कि कौन हकदार होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करने का कष्ट करें, प्रयास करें। देखिए मैं तो फिलहाल पूरे टूर्नामेंट में नहीं रहा, यहाँ पर अनुपस्थित था, तो इस बारे में आप बेहतर बता पाएंगे कि कौन से खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज के हकदार होंगे। मैन ऑफ द मैच के बारे में मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता हूँ। और गोलकीपर बाहर आए थे रेमन लकड़ा, जो खतरा था उसको टाल, सूर्य की जो रोशनी है डायरेक्ट उनकी आंखों में आ रही है। और ये कि एक रिफ्लेक्ट जरूर किया था विमल कलकट्टा ने, लेकिन दिशा सही नहीं रख पाए और बॉल चली गई गोल लाइन के बाहर। आपसे आग्रह है मुख्य द्वार को खाली कर दे। और बहुत ही बेहतरीन बचाव यहाँ पर बंडा मुंडा के द्वारा, रिटर्निंग की किया है बॉल को, लेकिन यहाँ पर चूंकि एयर में ही बॉल बाहर चली गई थी लाइन के, इसी हार्दिक स्वागत और नेतृत्व कर रहे चित्र पंचायत के मुखिया राज्य जिला मुखिया संख्या अध्यक्ष और आज समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय सोमनाथ मुंडा जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। रांची का टीम और व्हाइट रंग के जर्सी में मैदान के पूर्वी छोर में बंडा मुंडा के साथ मैं चलता हुआ, और अभी तक मैकन की टीम 1-0 से बढ़त बना चुकी है। कृतज्ञता आपकी कैसे करें, स्वागत है श्रीमान। तो चलिए यहाँ पर नई रणनीति के साथ, क्योंकि एक बॉल से पिछड़ रही है, दिलीप किंडो के पास बॉल और आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया शंकर और स्पिन पूर्ति। मैकॉन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, 1-0 की बढ़त है मैकॉन के पास। स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं जर्सी नंबर 12 लक्ष्मीकांत मातो और बाघम। रोहित, मैंने पहले ही कहा था जो टीम सबसे ज्यादा गलतियां करेंगी आज उनको यहां पर परास्त होना पड़ेगा। तो छोटी छोटी गलतियां यहां पर, लेकिन अश्विन की पूर्ति से चुकी काफी आगे निकल चुकी थी बॉल, बहुत ही शानदार पास यहां पर लॉक करते हुए विमल कलकट्टा के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए। एडविन ने यहां पर काउंटर अटैक करवाया है, बॉल को बढ़ा दिया रोहित के लिए, गलत पास कर बैठे यहां पर रोहित, हैंड बॉल की मांग और स्वीकार किया समाउद्दीन अंसारी ने। यह अधिकार होता है रेफरी के पास, वो चाहे तो एडवांटेज दे सकते हैं या तो फाउल भी दे सकते हैं। रवीन का ये किक लंबे कद के वहां पर प्रकाश मुंडा ने बॉल को क्लियर किया स्टॉपर, रोहन ने बॉल को उठा दिया है, बहुत ही जबरदस्त यहां पर हेडर जमाया प्रवीण ने। दिलीप किंडो ये क्रॉस किया है, दिलीप किंडो ने उपेंद्र हजाम ने बॉल को क्लियर किया, फिलहाल शंकर के पास, रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली शंकर को। भाई हाथों से नहीं पैर से खेलना है फुटबॉल को, स्पोर्ट्समैनशिप स्पोर्ट्स स्प्रिट का। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी, जमे हुए खिलाड़ी, काफी स्किलफुल खिलाड़ी है एडविन, और आसान से बॉल को क्लियर किया था राकेश तिर्की ने, वापस आई थी उनके पास, रिप्लेट कर दिया सुनील सोरेन के लिए। काफी विलंब कर बैठे यहां पर सुनील सोरेन, और ये जो जगी को निराश कर देती है, इतना सीरियस होकर ये फाइनल का मैच आप देख रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा। मैंने पहले ही कहा था आप सबों का मिजाज जैसा होगा खेल का मंजर भी वैसे ही होगा, काफी नीरस गेम यहाँ पर दिखता हुआ। आप अगर थोड़ा सा जोश बढ़ाएं खिलाड़ियों का तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रोमांच होगा फुटबॉल का वो दो गुना निकल कर बाहर आएगा। एडविन के पास फिलहाल बॉल,
बेहतरीन क्रॉस आता हुआ रोहित के पास बॉल गई थी, हेडर भी जमाया था शानदार, लेकिन दिशा को सही नहीं देख पाए रोहित। कौन खाली डिफेंस खेले निश्चित तौर पर कल यहाँ पर चांदिल के जो समर्थक थे उनका दिल टूटा होगा। जा रहे थे कि हमारी टीम यहाँ पर फाइनल में चढ़े, लेकिन मैकॉन ने उसका सपना तोड़ दिया सबों का। और यहाँ पर सूझबूझ जरूर दिखाई थी, लेकिन खतरा हो सकता था, शंकर जरूर वहाँ पर कोशिश किए थे, पहुँच नहीं पाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए KSP बंडा मुंडा जर्सी नंबर 4 गलत पास कर बैठे। अर्ध का खेल हजाम लंबा पास देना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत वहां पर हैं, सुनील सोरेन के साथ उनकी जंग चल रही है, लेकिन मुश्किल था, काफी तेज गति। फ्रांसिस बहुत ही बेहतरीन पास निकाला है, राहुल मुखी दौड़ पड़े हैं बोल के नियंत्रण करने के लिए, और बिल्कुल नियंत्रण भी कर लिया है, क्रॉस किया है, लेकिन लंबे कद के वहां पर मंजीत है आसानी के साथ। और ये देखिए काफी तेज किक लेने की कोशिश थी रेंचो की, यहां पर फुटबॉल का नजारा दिखता हुआ मैकॉन स्पोर्ट्स और बंडा मुंडा के बीच में। ऑस्विन पूर्ति हिमल क्रिकेटा मैकॉन स्पोर्ट्स के कैप्टन, फाउल की मांग, उनको खींचा गया वहां पर, गलत तरीके से गिराया गया उनका। और मजबूती के साथ उनको सहयोग कर रहे हैं सुनील टोप्पो और अब्दुल माजी। सुनील कच्चप का ये रिटर्निंग और बॉल को लंबा क्लियरेंस किया उपेंद्र हजाम ने, टाइम पास शॉट, और इसी के साथ यहाँ पर पहले हाफ के खेल की समाप्ति का और समाउद्दीन अंसारी इस प्रकार खेल का माध्यांतर। मैं तमाम दर्शकों को अतिथियों को बता दूं कि खेल का माध्यांतर जावेद इकबाल जी को लौटा दिया जाएगा और 5 किलो मजबूल खान के लिए। तो चलिए दूसरे हाफ का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है, आइए देखें किसके कुंडली में है शनि और किसके हिस्से में है मणि। 2 लाख रुपया का नगद इनाम यहाँ पर दूसरे मदरा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट में 1-0 से बढ़त बनाए हुए मैकॉन स्पोर्ट्स। रेंचो के पास बॉल, रेंचो यहाँ पर ऊंचाई नहीं दे पाए थे सही को, लेकिन फिर से बॉल को संभाला और यहाँ पर मौका है एडविन के पास, तैयार करते हुए रणनीति, और ये देखिए कि काफी नजदीकी मामला, काफी नजदीकी मामला, बिल्कुल बॉल तैयार हो रहा है किक लेने के लिए, और मंजीत ने बॉल को क्लियर किया। रोमांच बिल्कुल चरम पर है फुटबॉल का, देखिए बाएं छोर से फ्रांसिस के पास किया, और यहां पर हजी वो गरीब नजर, जबरदस्त खतरा, लेकिन खतरा टला, अब क्या होता है, बिल्कुल लाइन के नजदीक से होकर मैकॉन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने बॉल को क्लियर किया और एक बड़ा खतरा को टाला है। यहाँ गलत पास कर बैठे, बिल्कुल अलग ही मिजाज में दिख रही है बंडा मुंडा की टीम दूसरे हाफ में। दिनेश लकड़ा के पास, फिलहाल प्रवीण के पास बॉल, जर्सी नंबर 8 दिखाते थे के पास बॉल, प्रवीण जी का बाएं छोर से फ्रांसिस के लिए बॉल को बढ़ा, रोहित के पास बॉल गई थी, रिफ्लेक्ट होकर आई मंजीत के पास, मंजीत ने बॉल को बढ़ाया है शंकर के लिए और उनको बिल्कुल सही तरीके से टैकल किया गया। एडविन, तो भाई ससुराल की टीम है, सपोर्ट कीजिए, और फिर से यहां पर मौका आया था, लेकिन इस बार फिर से क्लियर कर दिया गया। लक्ष्मीकांत फिलहाल बॉल के पास,
श्रीकांत ने बॉल को जरूर आगे बढ़ाया, दिनेश अकड़ा यहाँ पर है और आसानी के साथ बॉल को बढ़ा दिया प्रवीण सिंह के लिए। सुनील सोरेन ने बॉल को बढ़ाया स्पिन के लिए, बॉल को क्लियर कर दिया गया उपेंद्र हजाम के द्वारा, बॉल चली गई टच लाइन। झारखंड एफसी और तीसरे लक्ष्मीकांत स्कोर करने वाले खिलाड़ी में कौन स्पोर्ट्स की ओर से एकमात्र, यहां पर बॉल को निकाल लिया लक्ष्मीकांत ने लेकिन संभाल लिया अपने आप को दिलीप पिंडो ने बॉल को, और स्क्रीन पूर्ति नियंत्रण करना चाहते थे, बहुत ही शानदार टैकल किया गया वहां पर रेंचो के द्वारा, मंजीत का शानदार हेडर, रेंचो के पास बॉल सुंदर नियंत्रण के साथ रन किया रेंचो ने। राकेश तीर की ये रक्षा पंत के खिलाड़ी है बंडा मुंडा के फ्रांसिस एडविन, बहुत ही शानदार टर्निंग बॉल के साथ शानदार पास सुंदर चेंज किया यहाँ पर प्रवीण के लिए, बॉल बढ़ा दी है और प्रवीण ने बढ़ा दिया बॉल को दिलीप किंडो के लिए, सुंदर पास दिया रोहित है वहां पर जो यहाँ पर स्थानापन खिलाड़ी है रोहित रांची के खिलाड़ी है रेंचो, ये देखिए काफी कम समय के बाद इतना सुंदर टर्निंग, बहुत ही बेहतरीन टर्निंग तैयार किया है और ये लाजवाब बचा अंकित कुजूर के द्वारा। गजब कुंदा की फुटबॉल यहाँ पर दिखता हुआ बन्ना मुंडा, और ये देखिए बहुत ही शानदार रणनीति और देखना यहाँ पर सही जजमेंट आता हुआ समाउदी अंसारी, बहुत ही शानदार यहाँ पर आक्रमण था, वॉल के जरिए ये रणनीति तैयार की थी, रेंचो बिल्कुल निकल चुके थे उनको गलत तरीके से रोका गया और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पेनाल्टी यहाँ पर दिया गया है, अभी अभी हम लोगों के बीच खबरी पर आ जाएगी टीम, मैच खत्म, अंकित कुजूर पर बड़ी जिम्मेदारी और किक लेने वाले खिलाड़ी जो एडविन है जर्सी नंबर 10 बहुत बढ़िया है, रोचक काफी रोचक रोमांच पर फुटबॉल, किक लेने के लिए तैयार है एडविन, सामने है अंकित कुजूर, इसी का इंतजार और इसी के साथ यहाँ पर इशारा कर दिया किक लेने के लिए और इसी के साथ यहाँ पर वापसी करा दी है अपनी टीम के समर्थक बंडा मुंडा के झुकते हुए, और नया जोश अभी अभी हम लोगों के बीच में उपस्थित है एमएमजीयू हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनोज कुमार जी, मैं आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी भाई सर, बिल्कुल अलग ही नजारा दिख रहा है यहाँ पर, इस गोल के साथ ही एक नया जोश का संचार हुआ है बंडा मुंडा के खिलाड़ियों में, फिलहाल बॉल को फिर से राहुल मुखी यहाँ पर देख रहे हैं काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए, सुंदर बॉल निकाला था जरूर इस बार मंजीत तैयार के साथ यहाँ पर किक लेने की कोशिश एडविन की में कर लिया अपने बंडा मुंडा के खिलाड़ियों ने, फ्रांसिस ने बॉल को बढ़ा दिया है सुनील सोरेन के लिए, एडविन सुंदर क्रॉस आता हुआ और इस बार मंजीत तैयार थे बॉल को वापस भेज दिया है टच लाइन के बाहर, तो दर्शक क्रॉस मंजीत का क्लियरेंस एडविन के पास बॉल, बहुत ही लाजवाब टर्निंग सुनील सोरेन बाएं छोर से, राहुल मुखी आगे बढ़ते हुए राहुल मुखी लेकिन इस बार उनको रोका गया विमल केरकेट्टा के द्वारा, गोलकीपर जरूर बाहर गए थे लेकिन इससे पहले ही वहां पर प्रकाश मुंडा ने बॉल को की ताकतवर खिलाड़ी देख रहे, काफी लंबा थ्रो इन आता हुआ राहुल मुखी वहां पर जरूर थे रिफ्लेक्ट किए थे, एडविन के पास बॉल रेंचो क्लियर किया गया बिल्कुल
दूसरे हाथ के खेल को अभी तक अपने नाम कर लिया है बंडा मुंडा के खिलाड़ियों ने और उसी का वहां पर फल मिला उनको, परिणाम उनके पक्ष में आया, एक गोल का स्कोर हुआ। मंजीत और इससे पहले के बॉल को रिटर्न करते बॉल ईयर में टच लाइन को क्रॉस कर गई थी। प्रवीण तिग्गा यहां पर तैयार हो रहा है थ्रो इन लेने के लिए, शानदार हेयर स्टाइल के साथ आप देख रहे हैं प्रवीण तिग्गा को। रेंचो के पास बॉल, दिलीप किंडो, और ये दूसरा साल और काफी ज्यादा यहां पर प्यार मिल रहा है, दर्शकों का सहयोग मिल रहा है और सफलता चरम पर है इस टूर्नामेंट की। और सोमनाथ दा का कहना है इस सब और आठ टीमें झारखंड की सुपरस्टार टीमें होंगी, तो इस क्षेत्र में और यहां पर दो गोल मार दिया, यानी जो होना था फिर हो गया। नजाकत भरा ये शॉट, ताकत नहीं बल्कि नजाकत के साथ आसानी से गोल में उलझा दिया शंकर भोले बाबा ने। यहां पर मैकॉन स्पोर्ट्स की नैया पार लगाने की कोशिश की है, देखें ये परिणाम कितना देर तक रहता है। मेरा हुआ है। तालियों के जरिए हमारे खिलाड़ियों को ऑक्सीजन देने का काम करें। रोहन तो यहां पर शानदार वापसी की है मैकॉन स्पोर्ट्स रांची ने। रोहित के पास बॉल, रेंचो, रोहन, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया अश्विन के लिए, अश्विन ने विमल कलकट्टा, विमल कलकट्टा बढ़ा दिया लक्ष्मीकांत को, लक्ष्मीकांत सही दिशा में बॉल को भेज नहीं पाए। अश्विन पूर्ति, दिलीप किंडो बहुत ही शानदार यहां पर आगे बढ़ते हुए, रेंचो के पास बॉल, रेंचो ने बॉल को बढ़ा दिया है फ्रांसिस के लिए। प्रवीण बहुत ही शानदार बॉल निकाला है, एडविन है, एडविन ही, लेकिन इससे पहले कि कुछ नियंत्रण कर पाते बॉल को क्लियर कर दिया, हालांकि बॉल को रिफ्लेक्ट बढ़ चुके थे लेकिन बॉल तो टच लाइन को क्रॉस कर गई है। और राहुल मुखी बाएं छोर से, और ये राहुल मुखी का क्रॉस आता हुआ रोहित का हेडर, लेकिन इस बार सही दिशा नहीं रख पाया और बॉल फिलहाल मैकॉन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के पास। लक्ष्मीकांत का ये काफी ऊंचा शॉट, राकेश तिर्की, रवीन तिग्गा, एडविन, राहुल मोखी रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, फ्रांसिस चूक गए। बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट जरूर था, कोई भी वहां पर साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। रेमन लकड़ा ने आसानी से बॉल को अपने कब्जे में लिया और रेमन लकड़ा आज बिल्कुल ऐसे गोल हो गए कि उनको पता ही नहीं चला। काफी अच्छे गोलकीपर रूप में जाने जाते हैं रेमन लकड़ा, लेकिन आज कोई मौका नहीं उनके पास। प्रवीण तिग्गा का ये क्रॉस आता हुआ, मौका हो सकता है यहाँ पर, काफी पीछे रह गए। अंकित कुजूर ने झपट्टा मारा बॉल पर, अपने कब्जे में लिया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दर्शक, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। रेड हो जाएगा ना, बॉल को निकालना चाहते थे और उसी वक्त वहां पर किक बैठे मंजी, कौशन कार्ड के रूप में उनको येलो कार्ड दिखाते थे। बहुत ही बेहतरीन किक, देखा बॉल बाहर जा रही है, जाने दिया बॉल को अंकित कुजूर ने। कोई भी मुंडा की जो टीम है बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है उनका। बोल 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 बोल
किया, देखा संदीप पीछे सही पोजिशन में, उनके लिए बढ़ा दिया बॉल और बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉल खेलते हुए रोहन अश्विन पूर्ति का ये क्रॉस आता हुआ और इस बार शंकर ने फिर से यहाँ पर हेडर जमाया था लेकिन इस बार सही दिशा नहीं रख पाए। रेमन लकड़ा ने बॉल को अपने कब्जे में लिया है। प्रकाश मुंडा संदीप वहां पर गोल को नियंत्रण करते थे बाकी उनके द्वारा एक मूवमेंट था, इस मूवमेंट में कोई किसी तरह का खतरा नहीं था इसीलिए रेफरी ने प्ले ऑन कहा, खेल को जारी रखा। रेंचो बहुत ही शानदार यहाँ पर क्रॉस करना चाहते थे, काफी तेज गति से किक लगा बैठे और बॉल चली गई। आयोजन समय थे शानदार क्लियरेंस। अभी तक का इस टूर्नामेंट में अभी तक के टॉप स्कोरर रहे हैं फ्रांसिस, लेकिन आज फ्रांसिस लय में नहीं दिख रहे हैं। चार गोल अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है फ्रांसिस ने, आज उम्मीदें हैं उनसे अपनी टीम को। प्रवीण टिग्गा यहां पर बॉल के साथ टर्न किया था, एडवांटेज दिया है रेफरी ने, प्ले ऑन का इशारा। बंदर बहुत ही लाजवाब टर्निंग किया बॉल के साथ विद द बॉल टर्निंग और इस बार फ्रांसिस के पास बॉल गई है। अगर दूसरे हाफ के खेल की बात की जाए तो बिल्कुल शुरुआती दिलीप रवि शानदार क्लियरेंस मंजीत के द्वारा फिर से क्रॉस किया गया, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश थी लेकिन ज्यादा ताकत के साथ उस रिफ्लेक्ट को नहीं पढ़ पाए मुखी और गोलकीपर अंकित कुजूर ने अपने कब्जे में लिया। दिलीप किंडो प्रवीण देखिए शानदार गोल को निकाल लिया अपने दोनों विपक्षी खिलाड़ियों के रहते हुए भी विमल करकट्टा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, काफी तेज गति के साथ वहां पर टच किया, रिफ्लेक्ट होकर बॉल चली गई रेमन लकड़ा के पास और जो एक आक्रमण था वो बेकार जाता हुआ। सुनील सोरेन फ्रांसिस ने वापस दिया सुनील सोरेन को, राकेश तिर्की सुनील शंकर बहुत ही बेहतरीन पास निकाला है शंकर ने विमल करकट्टा के लिए, विमल का ये क्रॉस आता हुआ लेकिन वहां पर मौजूद थे दिनेश लकड़ा बॉल को क्लियर किया है। दिलीप किंडो बिल्कुल टच लाइन के नजदीक जाकर बॉल को नियंत्रण करना चाहते थे रेंचो बॉल। काफी तेज गति के साथ लिया हुआ केक सीधे गोलकीपर अंकित कुजूर के पास। तो दर्शकगण जो अभी अभी स्टेडियम में पधारे उनको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं सेकेंड मद्रा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच जो खेला जा रहा है मेकॉन स्पोर्ट्स रांची और केएसपी बंडा मुंडा के बीच में। फिलहाल स्कोर है 2-1 मेकॉन स्पोर्ट्स रांची के पक्ष में। लाइन के बगल में जो बैठे हैं वो सावधान रहेंगे। एडविन आगे बॉल जरूर बढ़ाया है, अंकित कुजूर वहां पर मौजूद लंबे कद के गोलकीपर हैं, आसानी के साथ बॉल को
शानदार क्लियर दिनेश लकड़ा के द्वारा। तो धीरे धीरे आठ टीमें होंगी हमारे झारखंड की नामी गिरामी सुपरस्टार टीमें होंगी। ऑस्ट्रेलियन पूर्ति बहुत ही शानदार बॉल निकाला है शंकर के लिए बिल्कुल, लेकिन अब्दुल माजिद ने फ्लैग रेज किया, ऑफसाइड करा दिया शंकर को, खतरा हो सकता था यहां पर। रोहन का हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। तुरंत इन्होंने पूजा सिंघल जो सेक्रेटरी थी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उनको फोन किया और हमें नियुक्ति पत्र तुरंत मिली। तो ऐसे आज लीडर हमारे बीच है, हमें बहुत खुशी है, खिलाड़ियों के अच्छे दिन आ ही रहे हैं। विमल कलकत्ता मैकॉन स्पोर्ट्स के कैप्टन, बहुत ही शानदार निकाला बॉल को एडविन ने आगे बढ़ते हुए। तीन चार खिलाड़ी उनको घेर कर रखे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उनके नियंत्रण में बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन, लाजवाब। ऐसे ही तालियों के साथ आप हौसला अफजाई करें। मेहमान खिलाड़ी है हमारे, ये बंडा मुंडा के ससुराल की टीम है, सुरेश भैया ने बोला ना। शंकर थोड़ा सा अश्विन पूर्ति आगे निकल गया, बॉल चली गई टच लाइन के। दिलीप किंडो दिनेश लखना के पास बॉल बढ़ा दिया था और फिलहाल रेंचो के पास बॉल, रेंचो ने बॉल को बढ़ाया है प्रवीण तिग्गा के लिए। एडविन बाहर की ओर बॉल, टच लाइन के बाहर जाता हुआ। बहुत ही शानदार पास यहां पर निकाला है दिनेश लकड़ा, बॉल को बढ़ा दिया था अपने साथी खिलाड़ी आनंद के लिए। आनंद का क्रॉस था काफी कमजोर क्रॉस, वहां पर उपेंद्र हजाम बॉल को क्लियर किया। फ्रीकिक प्रकाश मुंडा फ्रीकिक लेने के लिए तैयार, लंबा फ्रीकिक कैप्टन ने रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन काफी दूर रह गए शंकर। और फिलहाल बॉल रोहन के पास, फाउल का इशारा किया है, ये फ्री किक है। प्रवीण तिग्गा रेंचो काफी तेज किक कर बैठे थे,
यहाँ पर खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही पोजीशन में लक्ष्मीकांत अकेले हैं, वहां पर क्रॉस किया है शंकर का ये हेडर, लेकिन इस बार ताकत नहीं दे पाए हेडर में और आसानी के साथ बॉल को कब्जे में लिया। और यहाँ पर देख रहे हैं आप फोर्थ ऑफिशियल अर्जुन उराव, ये फाइनल का मैच और इंजरी टाइम। भैया यहाँ पर सेकंड में गेम का रूप बदलता है, चार मिनट काफी है दोनों ही टीमों के लिए। सुंदर क्लियरेंस मंजीत के द्वारा, रेंचो का ये हेडर, सुंदरवाल रणनीति तैयार किया था लेकिन इस बार बॉल को सही रख नहीं पाया। रोहित, सुनील सोरेन, हेडविन बरी पर आना की कोशिश बार बार कर रहे हैं मंडा मुंडा वाले। और ये देखिए लंबा दर्शकों का जोश, थ्रो इन लंबा, लंबा थ्रो इन लेते हुए सुंदर क्लियरेंस प्रकाश मुंडा का, बॉल को क्लियर किया लक्ष्मीकांत ने। रेमन लकड़ा आगे है, लंबा क्लियरेंस किया है, बिल्कुल टच पास यहां पर देखते हुए विमल केरकेट्टा टीम के कैप्टन, बाएं छोर से बॉल को लेकर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए सफल नहीं हुए, नियंत्रण नहीं रख पाए। एडविन ने बॉल को छीन लिया है, बॉल आई है प्रवीण टीका के पास और फिर से एडविन के पास। रेंचो काफी कम समय रह गया है, शंकर वापस आए, झपट्टा मारा बॉल पर और शानदार यहां पर रणनीति तैयार किया है और ये एक तरह से ठप्पा लगा दिया रोहन ने अपने इस किक से मेकोन के नाम पर। तीन एक की बढ़त, तीन एक का मैच चलता हुआ, क्या लाजवाब किक थी ये। अब लग रहा है कि अब सेहरा लगभग मेकन की ओर पड़ता हुआ, अब समय घटता हुआ। इस प्रकार खेल का समापन, ब्लैक चैंपियन मेकल स्पोर्ट्स क्लब रांची की टीम। जी हां, शानदार प्रदर्शन के नाम पर अपने नाम किया है सेकंड मद्रा मुंडा फुटबॉल। आगे आगे से दादा विनय जी।